अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, वेलकम बैक आफ्टर ईद। होप यू ऑल इन्जॉय योर ईद एट होम विद योर फ्रेंड्स एंड कजन्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर एंड आई एम अगेन हेयर टू टीच यू योर नेक्स्ट लेसन। एज यू ऑल नो दैट इन द प्रीवियस लेसन वी हैव लर्न द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। टूडे वी आर गोइंग टू रीड द यूनिट नंबर वन, सो get ready for reading. Now open page number 4 and unit number 1. Unit number 1, lesson number 3, reading Can I Play? Listen as you read the story, then answer these questions. Who plays with Fiza? Do you think Fiza is a good girl? First, we will discuss the pictures that are given in this unit. In picture number 1, Fiza is holding a ball and a bat in her hand and she wants to play with someone. Fiza apne haath mein ek ball aur bat pakde hue hain aur wo kisi ke saath khelna cha rahi hain. She comes to her brother Ali and says, Can I play with you, Ali? Can I play with you, Ali? Ali says, Sorry, Fiza, I am playing with my game boy. Now, Fiza moves to her elder sisters in picture number 2. She moves to her elder sister, Sara, and says, Can I play with you, Sara? Sara, can I play with you, Sara? Khel sakti hun? सारा सेज सॉरी फिज़ा आई एम रीडिंग माई बुक, मैं तो अपनी बुक की रीडिंग कर रही हूँ। अब फिज़ा मूव करती हैं अपनी मदर की तरफ। शी मूव्स टू हर मदर इन पिक्चर नंबर 3। शी मूव्स टू हर मदर एंड सेज कैन आई प्ले विद यू मम्मी। मम्मी इज़ इन द गार्डन एंड शी इज़ पिकिंग द फ्लावर्स। शी सेज सॉरी फिज़ा आई एम पिकिंग फ्लावर्स। नंबर 4 पिक्चर में फिज़ा जो है वो अपने फादर के पास जाती हैं एंड शी सेज कैन आई प्ले विद यू डैडी। डैडी सेज सॉरी फिज़ा आई एम मेंडिंग माई वैन। नो वन इज़ रेडी टू प्ले विद सारा। सब लोग अपने काम में बिजी हैं। अब फाइनली सारा के साथ कौन खेलने के लिए रेडी होता है? दिस इज़ बिफ एंड बिफ इज़ द पेट एनिमल ऑफ सारा। Biff says, I can play with you. मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। Sara says, Thank you, Biff. Then they start playing. दोनों खेलना शुरू करते हैं। और फिर क्या होता है इस पिक्चर में देखिए ज़रा। ये बॉल विंडो पे लगा और इसका ग्लास टूट गया। अब इसकी मामा भी उसको बुला रही हैं, उसके फादर भी उनको बुला रहे हैं और बिफ और फिज़ा दोनों भाग रहे हैं डांट से बचने के लिए। Okay, we have discussed the pictures. Now I am going to read the lesson. But before start reading, I want to repeat the difficult words that we have already learned in the previous lesson. So first we will revise the difficult words and then we will read the lesson. Reading. READING, reading. Reading का मीनिंग होता है पढ़ना। RUNNING, running. Running का मीनिंग होता है भागना। Books. BOOKS, books. Books का मीनिंग होता है किताबें। Likes. LIKES, likes. लाइक्स का मीनिंग होता है पसंद करना। मेंडिंग MENDING, मेंडिंग। मेंडिंग का मीनिंग होता है मुरम्मत करना। PLAY, प्ले। प्ले का मीनिंग होता है खेलना। SISTER, सिस्टर। सिस्टर होता है, सिस्टर बहन को कहते हैं।
बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर, ब्रदर होते हैं भाई। एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर फ्लावर, फ्लावर का मीनिंग होता है फूल। हमने ये तमाम डिफिकल्ट वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स अपने पिछले लेसन में अपनी कॉपीज़ पे भी किए थे और वैसे भी हमने इनको रिवाइज किया था, लर्न किया था। होप यू ऑल रिवाइज एंड लर्न ऑल दीज वर्ड्स मीनिंग्स, और आपने इनको लर्न किया होगा। आज अब हम लोग अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करने लगे हैं। सो लेट स्टार्ट, ओपन पेज नंबर 4 एंड पुट योर फिंगर अंडर द फर्स्ट वर्ड। कैन आई प्ले विद यू अली, अंडरलाइन वर्ड प्ले। वी विल अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स। कैन आई प्ले विद यू अली। सॉरी फिजा, आई एम प्लेइंग विद माई गेम बॉय। प्लेइंग को अंडरलाइन करें। दिस इज फिजा, she likes playing with Ali. Ali is Fiza's brother. He likes his game boy. ये फिजा हैं, वो अली के साथ खेलना पसंद करती हैं। अली फिजा का भाई है और वो गेम बॉय से खेलना पसंद करता है। कम टू द सेकेंड पिक्चर। कैन आई प्ले विद यू सारा। सॉरी फिजा, आई एम रीडिंग माई बुक। इसमें हमने रीडिंग को अंडरलाइन किया। दिस इज सारा, शी इज फिजा सिस्टर। सिस्टर को अंडरलाइन करेंगे हम। शी इज अली सिस्टर टू। शी लाइक्स हर बुक्स। बुक्स को भी अंडरलाइन करेंगे। ये सारा हैं, ये फिजा की सिस्टर हैं और वो अली की भी सिस्टर हैं। सारा को बुक्स बहुत पसंद हैं, वो अपनी बुक्स को पसंद करती है। फर्स्ट पैराग्राफ में भी आपने लाइक्स को, प्लेइंग को, ब्रदर को और गेम बॉय को अंडरलाइन करना है। कम ऑन द फोर्थ पिक्चर, थर्ड पिक्चर नाउ। कैन आई प्ले विद यू मम्मी। सॉरी फिजा, आई एम पिकिंग फ्लावर्स। पिकिंग को अंडरलाइन करेंगे और फ्लावर्स को अंडरलाइन करेंगे। दिस इज फिजाज मदर। मदर को अंडरलाइन करेंगे। शी लाइक्स हर फ्लावर्स। ये फिजा की मदर हैं, वो फ्लावर्स पसंद करती हैं या उनको अपने फ्लावर्स पसंद हैं। इन द फोर पिक्चर। कैन आई प्ले विद यू डैडी। सॉरी फिजा, आई एम मेंडिंग माई वैन। मेंडिंग को अंडरलाइन करेंगे। दिस इज फिजाज फादर। फादर को अंडरलाइन करें। ही लाइक्स हिज वैन। वैन को अंडरलाइन करें। ये फिजा के फादर हैं, उनको अपनी वैन बहुत पसंद है। आई कैन प्ले विद यू। थैंक यू बेव। दिस इज बेव। बिफ को अंडरलाइन करेंगे। बिफ इज फिजाज टैडी बियर। टैडी बियर को अंडरलाइन करेंगे। ये बिफ है, बिफ फिजा का टैडी बियर है। फिजा हिट्स द बॉल, क्रैश। बिफ एंड फिजा आर रनिंग अवे। फिजा ने बॉल को हिट किया, क्रैश की साउंड आई और उसके बाद बिफ और फिजा दोनों भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि उनकी गेम में ग्लास टूट गया है और अब उनको डांट पड़ने वाली है। होप यू अंडरस्टैंड द स्टोरी एंड आल्सो रीड द स्टोरी। आई होप यू ऑल विल यू रीड द लेसन वेरी केयरफुली एंड आल्सो लर्न द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स आल्सो। एक दफ़ा फिर रीडिंग करूँगी आपके सामने, आप लोग फिंगर रखेंगे और बिल्कुल मेरे साथ साथ वेरी स्मूथली रीडिंग करेंगे और उसके बाद फिर आप लोग होमवर्क की तरफ जाएंगे। यूनिट नंबर 1, लेसन 3, रीडिंग। कैन आई प्ले। लिसन एज यू रीड द स्टोरी, देन आंसर दीज क्वेश्चंस।
हू प्लेज विद फिजा डू यू थिंक फिजा इज अ गुड गर्ल नो पुट योर फिंगर अंडर दिस वर्ड एंड रीड आफ्टर मी कैन आई प्ले विद यू अली सॉरी फिजा आई एम प्लेइंग विद माई गेम बॉय दिस इज फिजा शी लाइक्स प्लेइंग विद अली अली इज फिजाज ब्रदर ही लाइक्स हिज गेम बॉय कैन आई प्ले विद यू सारा सॉरी फिजा आई एम रीडिंग माई बुक दिस इज सारा शी इज फिजाज सिस्टर She is Ali's sister too. She likes her books. Can I play with you, mummy? Sorry, Fiza. I am picking flowers. This is Fiza's mother. She likes her flowers. Can I play with you, daddy? Sorry, Fiza. I am mending my van. This is Fiza's father. He likes his van. Come on the next page. Page number 5. I can play with you. Thank you, Biff. This is Biff. Biff is Fizza's teddy bear. Fizza hits the ball. Trash. Biff and Fizza are running away. And look here. Mummy is calling Fizza. Father is calling Fiza and both of them are running. Hope you all understand the reading. Now I am going to giving you the home task of today. First you will read all the lesson very carefully and also learn the words meanings that are already written on your class book copies. This is your task. And the second home task is homework. I do HW here. And I am giving you two exercises as a home task. One exercise is B exercise. Use the words from the story to complete the sentences. Example, Sarah is Fiza's sister. There are three sentences here. Mummy is Fiza's dash. Daddy is Fiza's dash. And number 3 is Ali is Fiza's dash. You will complete the blanks after reading the story. Now coming on the second exercise, that is C exercise. Answer these questions. Example, what does Sarah like? She likes her books. What does Dash like? He likes his Game Boy. What does Dash like? She likes her flowers. What does Dash like? He likes his van. यहाँ पर आप missing जो word है उसको find out करेंगे story में से और फिर उसको यहाँ पर write down करेंगे. These are our two home tasks. So do your homework very carefully and also revise the difficult words and their meanings and also read the lesson very carefully. Hope you all understand the lesson and enjoy the lesson. Now this is the time that my lesson is going to wind up. So khuda hafiz and goodbye. Have a nice day and goodbye. Khuda hafiz.